हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक इन लाइन। माय नेम इज आरती एंड आज हम बनाने वाले हैं मिलेट बंस। सो दिस इज द फर्स्ट रेसिपी विच आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू इन 2024 एंड इट्स रियली स्पेशल वन। एंड दिस ईयर इज माय रेजोल्यूशन दैट आई एम गोना ट्राई मोर मिलेट रेसिपीज, वट एवर पॉसिबल वी कैन डू विद द मिलेट। इन बंस को मैंने प्रिपेयर किया है, यू कैन यूज देम फॉर बर्गर, सैंडविच, वट एवर यू लाइक, एंड वी गोना यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर हियर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रेसिपी नाउ। तो द फर्स्ट स्टेप हियर इज टू एक्टिवेट द यीस्ट। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम विच इज रफली 3/4 कप ऑफ वार्म वाटर लिया है। वार्म बाय मीन्स अराउंड 30 डिग्रीज, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज उससे हाई टेम्परेचर जाते ही आपका यीस्ट जो है वो किल हो जाता है। फॉर स्वीटनेस एंड एक्टिवेशन ऑफ द यीस्ट आई हैव एडेड 2 टेबलस्पून ऑफ हनी एंड 5 ग्राम्स ऑफ ड्राई यीस्ट। अगर आप यहाँ पर इंस्टेंट यीस्ट यूज कर रहे हैं सो यू डोंट नीड टू एक्टिवेट इट, आप इसको डायरेक्ट फ्लावर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बट बिकॉज हम यहाँ पर ड्राई यीस्ट यूज कर रहे हैं, इवन आप फ्रेश यीस्ट यूज करते हैं उसको भी आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिलेट फ्लावर विच आई हैव यूज्ड हियर। सो इन टोटल दिस इज 200 ग्राम। सो उसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया 60 ग्राम रागी, 60 ग्राम्स ऑफ जुवार फ्लावर, 60 ग्राम्स ऑफ लिटिल मिलेट एंड 20 ग्राम्स ऑफ राइस फ्लावर। आप यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन का फ्लावर यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल फ्लावर की रेसिपी बनानी है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। एंड नाउ आई एम गोना शो यू हाउ वी गोना मेक दिस ब्रेड, बिकॉज मिलेट्स के अंदर कभी भी आपको ग्लूटेन नहीं मिलेगा एंड विदाउट ग्लूटेन आप कोई भी अपनी रेसिपी नहीं बना सकते। तो उस सब को हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ टैपियोका फ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ पोटेटो स्टार्च एंड अ पिंच ऑफ 1/8 टीस्पून ऑफ जैंथम गम। सो इस वाले कॉम्बिनेशन को जब आप फ्लावर के अंदर ऐड करेंगे तो आपको ग्लूटेन एक्टिवेट नहीं होगा लेकिन एक टेक्सचर आपको जरूर मिलेगा। सेकेंडली यू डोंट नीड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम लाइक वी डू इन द रेगुलर ब्रेड, बिकॉज हमें ग्लूटेन एक्टिवेट करना है एंड इस फ्लावर के अंदर ग्लूटेन होता ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नीडिंग ऑल्सो। सो दैट वे इट इज वेरी ईजी ऑल्सो टू मेक दिस ब्रेड। नेक्स्ट आई हैव एडेड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आप किसी भी टाइप का ऑयल वहाँ पर यूज कर सकते हैं। Then side by side I'm preparing my flex eggs. So उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून of flex seeds का पाउडर लिया है and I've added 5 टेबलस्पून of normal room temperature water. आप इसको मिक्स कीजिए and साइड में फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट यू विल सी कि हमारा ड्राई यीस्ट एक्टिवेट हो गया है। सो हम सारा वाटर जो है वो अपना फ्लावर के अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पर जब आप 10 मिनट्स के बाद देखेंगे तो आपका जो फ्लेक्स एग है वो भी रेडी हो गया है। दिस proportion is equivalent to 2 eggs. So मैं यहाँ पर आज eggless recipe भी बना रही हूँ। इसको अच्छे से mix कीजिए and you will realize कि जो आपका dough है वो काफी soft है। So my personal advice is कि आप यहाँ पर 150 या 180 gram of water से ही start करें and then पूरे mixture को mix करें, because flour और liquid absorb करने की capacity अलग अलग होती है। So आप कम water के साथ start कीजिए and then later on आप इसके अंदर जितना required हो उतना आप डाल सकते हैं। But again the dough should be very soft. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा mix ready हो गया है and I'm gonna set this aside at room temperature for around 1-2 hours. इसको एक्टिवेट होने में जितना टाइम लगे आप उतना, आपके एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से 1 घंटा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी आपका फ्लावर जो वो अच्छे से राइज हो गया है एंड एक बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आपको फ्लावर के अंदर मिलेगा। दिस इज वेरी सॉफ्ट राइट नाउ। सो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ एक्स्ट्रा ज्वार का फ्लावर डाला सो दैट हम इसको हाथ से इजिली हैंडल कर पाए। नेक्स्ट आई एम मेकिंग दीज बंस, सो आई एम गिविंग देम अ वेरी रैंडम शेप्स। अगर आपके पास बर्गर बन है तो आप वो लगाकर भी इसमें प्रॉपर एक राइस आपको मिल जाएगा। सेकेंड राइस के लिए मैंने रखा था फॉर अराउंड 1/2 hour to 40 minutes एंड देन बेक किया है मैंने एट 180 degrees Celsius फॉर अराउंड 25-30 minutes. नाउ एज यू कैन सी कि आपकी ब्रेड रेडी हो गई है, एक अच्छा सा क्रैक ऊपर आया है, बेस में आपको एक हल्का सा गोल्डन कलर दिखाई देगा एंड नाउ आई शो यू कि अंदर से कैसे लगेगा, बिकॉज आई एम गोना कट दिस इन हाफ विद अ नाइफ।
आप इसके ऊपर टोस्ट बना सकते हैं, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, आप इसको सैंडविच में यूज कर सकते हैं, आप इसका बर्गर बन बना सकते हैं, जिस भी टाइप से आप इस ब्रेड को यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। सो डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। इन फ्यूचर मैं आपके साथ और भी ग्लूटेन फ्री मिलेट बेस्ड रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon button which will give you the notification of our new recipes. So bye guys, take care everyone, enjoy.